गोरखनाथ मंदिर में युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत श्री दिग्विजयनाथ जी महाराज की 50वीं एवं राष्ट्र संत महंत अवैधनाथ जी महाराज की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर विविध समसामयिक विषयों पर सम्मेलन के अंतर्गत राष्ट्रीय पुनर्जागरण यज्ञ एवं संत समाज विषय पर मुख्यमंत्री गोरक्षपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मठ एवं मंदिरों को केवल पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, अपितु लोक कल्याणकारी कार्यों के साथ साथ राष्ट्रीय भावना के कार्यों में उन्हें सबसे आगे रहना चाहिए। भारतीय ऋषि परंपरा ने राष्ट्र धर्म को सभी धर्मों से बड़ा माना है। भारत में संतों की परंपरा बहुत ही समृद्धशाली और प्राचीन है। अपने आध्यात्मिक चेतना से संत समाज राष्ट्र को सुषुप्ता अवस्था से जागृत अवस्था में लाने के लिए सदैव प्रयत्नरत रहता है। संतों की यह परंपरा न केवल मनुष्यों के लिए अपितु जीव मात्र के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। जब भी लोक कल्याण की बात आती है तो संत समाज सबसे आगे रहता है। महर्षि विश्वामित्र एवं वशिष्ठ के लोक कल्याणकारी कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री महंत जी ने कहा कि जब रावण जैसे पापी आर्यावर्त को नष्ट करने के लिए तत्पर हो रहे थे, उस समय देश के दो शक्तिशाली राष्ट्र मिथिला और अयोध्या को इस बात की चिंता नहीं थी। सर्वप्रथम महर्षि विश्वामित्र को चिंता व्याप्त हुई और उन्होंने अपने दृष्टि से जान लिया कि अब मिथिला और अयोध्या को एक होना है तथा राम को आगे आकर राष्ट्र की रक्षा करनी है। इसलिए उन्होंने यज्ञ के बहाने से श्री राम और लक्ष्मण को आगे लाकर राष्ट्र रक्षा का कार्य किया। यह परंपरा अनवरत बनी रहे, इसके लिए संत परंपरा ने शास्त्रों की सरल व्याख्या कर समाज को एक करने का काम किया। एक तरफ महर्षि विश्वामित्र ने राम के चरित्र का उपयोग किया तो दूसरी तरफ महर्षि वाल्मीकि ने उनके चरित्र को अपने रामायण में निरूपित कर समाज के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया। महर्षि वेदव्यास ने भारत की परंपरा को दुनिया के सामने रखते हुए कहा कि महाभारत में जो भी कुछ है वही संपूर्ण संसार में है, अर्थात संपूर्ण संसार का अध्ययन महाभारत का अध्ययन करने से हो जाएगा। मुख्यवक्ता अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर सतीश चंद मित्तल ने कहा कि हमारा देश प्राचीनतम, विशालतम और आध्यात्मिक देश होने के साथ साथ जीवंत राष्ट्र है। इस देश को विश्वगुरु बनाने में संत समाज ने अद्भुत योगदान दिया है, इसलिए इस देश की संस्कृति और परंपरा सदैव जीवंत रही है और रहेगी। भारतीय परंपरा वसुधैव कुटुंबकम एवं विश्व बंधुत्व की परंपरा है। हम पूरे विश्व को परिवार मानते हैं। हम जाति धर्म पंथ में कभी उलझते नहीं हैं। संत गंगा जल की तरह निर्मल होता है। विशिष्ट वक्ता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद के पूर्व कुलपति प्रोफेसर राम अचल सिंह ने कहा कि किसी राष्ट्र को यदि नष्ट करना है तो वहाँ की संस्कृति को नष्ट कर दें। अयोध्या से पधारे जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज ने कहा कि देश के नैतिक मूल्यों की रक्षा के लिए संत समाज का उदय हुआ है। गोरक्षपीठ के पूज्य दोनों महाराज ने अपने अनेक कार्यक्रमों और क्रियाकलापों के माध्यम से देश की एकता एवं अखंडता के लिए बहुत बड़ा कार्य किया है। इस पीठ के कार्यक्रम को देख लेने से संपूर्ण भारत की संस्कृति का अनुभव हो जाता है। भारत की उदार संस्कृति विश्व को एकता का संदेश देती है। इस अवसर पर योगवाड़ी के संपादक महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के प्रवक्ता डॉक्टर फूलचंद प्रसाद गुप्ता द्वारा रचित पुस्तक महायोगी गोरखनाथ का विमोचन मंचासीन अतिथिगण द्वारा किया गया। स्वागत एवं प्रस्ताविकी की पूर्व कुलपति प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह एवं कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर श्री भगवान सिंह ने किया। Check it.
उसकी प्रेरणा तो उन्होंने दी थी।
बड़े वो कविता लिखी थी कि आनंद आ गया जीवन का ऐसा हो। हम पढ़ते जो कवि को वहां भी सर पड़ता है, हम बदल देते तो एक एक सत्र में यदि वो रहते तो मुझे मान तो छेड़े सीधे साधे कपड़े भी चाहिए नहीं। हम अपने पुराने
विवेकानंद के साथ साथ और भी कई महात्मा अरविंद जी और स्वामी राम जी और भी उम्र है करीब है प्रभुपाद वेदांत स्वामी जी महाराज या ऐसे जो अवसर पर आयोजित
श्रद्धांजलि सभाओं के कार्यक्रम आयोजित होते हैं उसमें अनेक प्रकार के कार्यक्रम संपन्न किए जाते हैं। कार्यक्रमों में धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम भी होते हैं। देश समाज और राष्ट्रीय जीवन को सामाजिक जीवन को प्रभावित करने वाले उन सभी पक्षों को ध्यान में रखकर जो इस समाज को प्रभावित करते हैं और इसका समाज के लिए उपयोगी हो सकता हो ऐसे संसाधनिक किस्म के संबंधित गोष्ठियों का आयोजन इस अवसर पर किया जाता है। इस वर्ष इस गोष्ठी का उद्घाटन सत्र में विषय ही है राष्ट्रीय पुनर्जागरण नृत्य और भारत का सत्र समाज। भारत के संतों की परंपरा बहुत समृद्ध परंपरा भारत की आध्यात्मिक चेतना का प्रतिनिधित्व करता है तो भारत का संत समाज करता है। लेकिन जब इस देश की कोई भी पक्ष सुस्तावस्था में होता है तो उसे जागृत अवस्था में माने के अपने उस दर्शन के माध्यम से अपने मार्गदर्शन के माध्यम से उन्हें प्रेरित और प्रोत्साहित करती रहती है। आर्यावर्त की उन शक्तियों को मिलाने और उन शक्तियों के
देखने को मिलती है, जिसे आप भगवान राम के रूप में उस हरे घटना के साथ जोड़ सकते हैं, जैसे आज हम रामलीलाओं के माध्यम से, रामायण के माध्यम से, या फिर तमाम प्रकार के अन्य मानवीय कार्यक्रमों के माध्यम से राम के चरित्र को अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं, लेकिन इसका मूल यहीं से शुरू होता है। तो विश्वामित्र के द्वारा इस बात का चिंतन, ये नहीं रावण जैसा राक्षस भारत की आंतरिक सुरक्षा पर सेन बनाने के लिए आग खड़ा हुआ है और इसका मुकाबला कोई कर सकता है, जो नाम कर सकते हैं राम को उस दिशा में विशेष करना परंपरा कभी रुकी नहीं, कभी टिकी नहीं। भारत की ज्ञान की इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए वैदिक संस्कृत को लौकिक संस्कृत में आम जन की भाषा बनाने के लिए भी अगर किसी एक ऋषि ने काम किया, महर्षि वाल्मीकि हम सबके सामने एक सरल भाषा में, लोक की भाषा में अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपने ज्ञान और विज्ञान से अवगत कराना, इनके लोग कल्याण का अधिकार देते हैं। और से बात नहीं की यह कार्य कालखंड में करके, और फिर आज देश और दुनिया की कोई भाषा नहीं जिसमें भगवान राम का चरित्र उनकी भाषा में किसी न किसी रूप में प्रस्तुत न किया गया, लेकिन इसका मूल अगर कोई है महर्षि वाल्मीकि की कृतनामा है। ये भारत की परंपरा, ऋषि मुनियों का भारत की परंपरा लोक कल्याण के लिए क्या क्या योगदान है, उस समय उनके पास साधन नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने सीमित साधनों से अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति को कैसे छोड़े बनाए रखा, यह कार्य भी हम सबके सामने शुरू किया। और श्री कदम व्यास ने कितना बड़ा कार्य किया, कितना भारत की परंपरा को दुनिया के सामने रखने के लिए और दुनिया को चुनौती देने की मुद्रा में भी खड़े हुए कि जो कुछ हमारे पास है वही दुनिया के पास है, जो हमारे पास नहीं वो दुनिया में कहीं नहीं है। ये महाभारत के बारे में कोई दावा कर सकता है कोई नहीं। कितनी समृद्ध परंपरा के वारिस हैं ये संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, लोक कल्याण के लिए ही ये सब उद्घाटित किए और उसे लेकर के आगे बढ़े। देश के अंदर जगत गुरु आदि शंकराचार्य की परंपरा को आप देखें, आदि शंकराचार्य जब केरल से चले होंगे, एक सामान्य सन्यासी के रूप में, एक ब्रह्मचारी के रूप में निकले होंगे, देश अलग अलग राजनीति के कार्यों में भले रहा होगा, लेकिन देश के चार कोणों में चार पीठों की स्थापना करके जिस सांस्कृतिक एकता का प्रतिबिंब उस कालखंड में उन्होंने किया था, भारत की सनातन परंपरा को जो एक नई ऊर्जा देने का कार्य किया था। एक सन्यासी केवल अपने आप को अपनी आध्यात्मिक साधना तक सीमित नहीं रख सकता, देश और समाज की समस्याओं से अपने आप को अलग नहीं करके रख सकता। जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने यह भाव चारों में चार पीठों के माध्यम से जागरण का जो संदेश पूरे देश को दिया, यह लोक कल्याण का एक भाव था जो संतों के मन में सुंदर सपूत भाव के रूप में हम सबके सामने देखने को मिलता। रविदास को भी बनाया,
आजादी भारत की लोक कल्याण की परंपरा है जिसे भारत ने तेजी के सामान्य बनाया। याद करिए मध्यकाल का समय जब देश औरंगजेब के आतंक से थरथरा रहा, धर्म और संस्कृति खतरे में। गुरु गोविंद सिंह जी इस देश के अंदर उस समय खालसा पंथ की स्थापना करके भारत की सनातन परंपरा के लिए अपना सब कुछ निछावर करते हुए उन्होंने जिस जागरण अभियान को आगे बढ़ाया वह राष्ट्र जागरण का ही अभियान था। आज याद करिए जब उन्होंने बंदा बैरागी को देखा, बंदा बैरागी संन्यास लेकर के एक जगह बैठ करके माला जप रहे हैं, गुरु गोविंद सिंह से उनकी भेंट होती है और गुरु गोविंद सिंह उसको ललकार के लिए कहते हैं कि बंदा यहां क्या कर रहा है, देश और धर्म खतरे में है और तुम कितनी स्वार्थ की बात करते हो कि केवल अपने लिए माला जप रहे हो। अरे सर, हिंद की सीमा खतरे में है और उठो और देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए अपने हाथ में भारत की परंपरा और संस्कृति के अनुरूप जो आज की आवश्यकता उसके अनुरूप तैयार हो। और वही बंदा बैरागी मार्ग में जाकर के गुरु गोविंद सिंह जी के कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य करता, ये है भारत की परंपरा। याद करिए जब स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के पास जाते हैं, उन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से कहा कि मैं आपसे अध्यात्म की दिशा लेना चाहता हूं। उन्होंने कहा इससे क्या करोगे, उन्होंने कहा कि मैं अध्यात्म के माध्यम से उन भावनाओं को जो वास्तव में मुझे एक आध्यात्मिक शांति की और समाधि की उस लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक हो सके उसके लिए मैं इसका उपयोग करूंगा। उन्होंने कहा नहीं, ये मनुष्य का जीवन केवल अपने लिए नहीं हो सकता, और तुमने बहुत स्वार्थपरक बात कही है, तुम्हारा जीवन लोक कल्याण के लिए है और जाओ अपने आप को समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित करो। और वही स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस से प्रेरणा लेकर के जो अपने आप को समर्पित करते हैं। कल 11 सितंबर की तिथि थी, 11 सितंबर की तिथि दो मायने में बहुत महत्वपूर्ण है। एक मायने में 11 सितंबर दुनिया के अंदर शिकागो के अंदर 125वीं जयंती थी जब स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भारत के सनातन धर्म की गूंज और भारतीयता की गूंज विश्व पटल पर रख करके वैश्विक मंच पर रख करके भारत को एक नई पहचान दी जाएगी। याद करिए एक तरफ स्वामी विवेकानंद का वह दर्शन जो विश्व शांति के लिए है, विश्व में सौहार्द के लिए था, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें शांति अच्छी नहीं लगती। 11 सितंबर को ही अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ था। 2009 में 11 सितंबर को ही वहां पर हमला हुआ था। ये दो रूप है, एक शांति का है और दूसरा वह एक विकृत स्वरूप भी है। जो लोग शांति में विश्वास नहीं करते, लोक कल्याण में विश्वास नहीं करते, उस दैव कुटुंबकम में विश्वास नहीं करते, इस दर्वे बहुत सुखिना की महामा में विश्वास नहीं करते, वे लोग उसके नकारात्मक पक्ष को लेकर के चलते हैं। जागरण का अभियान महर्षि अरविंद से जी जब पूछा गया कुछ नहीं,
के जीवन में तब आता है जो अपने राष्ट्र के प्रति, अपने समाज के प्रति गद्दारी करता है, उसके जीवन में सबसे बड़ा दुर्भाग्य का दिन होता है। यही तो परंपरा है जो भारत के संतों ने, भारत के ऋषियों ने, भारत के योगियों ने जिस परंपरा को आगे बढ़ाया था, मायूरी भगवान गोरक्षनाथ की परंपरा को अपने नाथ संप्रदाय की परंपरा मायूरी गोरक्षनाथ जी से अलग अलग कालखंडों में, अलग अलग स्थानों में उनकी उपस्थिति, उनसे जुड़े हुए जो दृष्टांत है, ये इस बात को प्रमाणित करते हैं कि उन्होंने अध्यात्म को लोक कल्याण का माध्यम बनाया, धर्म को लोक कल्याण का माध्यम बनाया। अगर लोक कल्याण का माध्यम धर्म और अध्यात्म नहीं बनता तो बृहत्तर भारत में महर्षि गोरक्षनाथ जी से जुड़े हुए स्थान नहीं उपलब्ध होते। आप तिब्बत में जाइए, आप नेपाल में जाइए, आप पाकिस्तान में चले जाइए, आप अफगानिस्तान में चले जाइए, आप बांग्लादेश में चले जाइए, आप बिहार में चले जाइए, आप श्रीलंका में चले जाइए, इन सभी स्थानों में अगर आज भी उनकी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विद्यमानता है, इस बात को उनकी लोक जीवन को प्रभावित करने वाले उस प्रकार के कार्यक्रमों को उन्होंने आगे बढ़ाया। और यही कार्य हमारे भगवान गोरक्षनाथ की परंपरा में नाथ संप्रदाय ने आगे बढ़ाया था, यही तो कार्य योगिराज बाबा गंभीर नाथ जी ने आगे बढ़ाया, उनके गुरु ब्रह्मदेव महंत गोपालनाथ जी महाराज ने आगे बढ़ाया, और वही परंपरा आगे चलते हुए ब्रह्मदेव महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज, ब्रह्मदेव महंत वैद्यनाथ जी महाराज, देश काल और परिस्थिति के अनुरूप जो आवश्यकता थी उसके अनुरूप उस प्रकार के जागरण के कार्यक्रम के साथ साथ उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया। 1932 में महाप्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना गोरखपुर में होना, ये उसी लोक कल्याण का हिस्सा। 1956-57 में गोरखपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना उसी लोक कल्याण का हिस्सा है। गोरखपुर में संस्कृत विद्यालय अच्छे ढंग से चल सके, ये उसी लोक कल्याण का हिस्सा। शिक्षा में, स्वास्थ्य में और अन्य सेवा के प्रकल्पों को भी वह तेजी के साथ आगे बढ़ा सके, ये उसी लोक कल्याण का हिस्सा है। और राम जन्मभूमि आंदोलन में गोरक्षपीठ की सक्रिय सहभागिता थी, जन जागरण और लोक कल्याण का थी। ये उसी का हिस्सा है और उसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए ये केवल एक कालखंड में नहीं हुआ, कभी ज्यादा हुआ, कभी कम हुआ, अलग अलग स्थानों पर और पूरे देश के अंदर अगर आप देखेंगे तो पूज्य संतों के सानिध्य में, उनके आश्रमों के सानिध्य में, संरक्षण में, धार्मिक आध्यात्मिक जागरण के साथ साथ लोक कल्याण की शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सेवा है, इन सभी प्रकल्पों को देश के अंदर तेजी के साथ फैलाने का जो कार्य देश के पूज्य संतों ने किया, यह हम सबके लिए करनी होना चाहिए। और गोरक्षपीठ भारत की सनातन परंपरा के रूप ही लोक कल्याण के कार्यक्रमों में, चाहे वह शिक्षा का हो, चाहे वह स्वास्थ्य का हो, चाहे वह समाज सेवा का हो, चाहे वह समाज के अंदर किसी भी प्रकार की विकृति के खिलाफ आवाज उठाने का हो, इन कार्यक्रमों को उसी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करना है। आज का यह कार्यक्रम मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में जबलपुर से पधारे जगतगुरु स्वामी डॉक्टर श्याम देवाचार्य जी महाराज का, इनका सानिध्य और सहयोग दिवस गोरक्षपीठ को निरंतर प्राप्त होता है, गोरक्षपीठ की संस्थाओं को प्राप्त होता है। आज के सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुए इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हुए हमारे जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज, जिनका बोधन और भारत दर्शन यहाँ पर प्राप्त हुआ, जिनके श्रीमुख से यहाँ पर विगत वर्षों में श्री राम कथा और श्रीमद भागवत महापुराण की कथा का श्रवण कहा।
संतों का जिनका सानिध्य जिनका मार्गदर्शन अलग अलग सत्रों में अलग अलग यहाँ पर सभी को प्राप्त होगा और मुख्य वक्ता के रूप में भारतीय संतान योजना के अध्यक्ष प्रोफेसर सतीश चंद्र मित्तल जी का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि वे अपनी अस्वस्थता के बावजूद इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और उन्होंने अपना मार्गदर्शन यहाँ पर महाप्रताप शिक्षा परिसर और गोरखपुर के प्रति श्रद्धा का भाव रखने वाले सभी श्रद्धालुओं को यहाँ पर उपलब्ध कराया है। आज इस कार्यक्रम में अपना महत्वपूर्ण भोजन गोरखपुर के सभी श्रद्धालुजनों को यहाँ पर उपलब्ध कराया है। आयोजन समिति से जुड़े हुए सभी सदस्यों को भी जिन्होंने इस परंपरा को उसी समृद्ध परंपरा के साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ाने का कार्य किया। ये परंपरा है हम सब इसके साथ जुड़ने का एक आभास होना चाहिए। मैं इस अवसर पर एक बार पुनः गोरखपुर के अपने आशीर्वाद हम सब पर निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा।